और इस समय हम सीधे रुख कर सकते हैं बीजेपी कार्यालय का। वहां पर एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली, जो कि पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, पिछले दिनों उन्होंने आपत्ति जताई थी और काफी वहां पर खींचतान देखने को मिली थी, अब बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हैं। बीजेपी के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं, हरदीप सिंह पुरी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो भी हैं, अरविंदर सिंह लवली यहां पर मौजूद हैं। और एक तरीके से हम आपको कहें कि बीजेपी में अरविंदर सिंह लवली की ये दूसरी पारी है। इससे पहले भी वो एक बार बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने फिर से कांग्रेस का रुख कर लिया था और अब कांग्रेस का दामन छोड़कर वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो मेरा अब आदरणीय हरदीप अरविंदर पुरी सिंह जी लवली से का और बीजेपी में विनोद फिर तावड़े जी से से आग्रह कि स्वागत राजकुमार किया जा चौहान जी रहा को है। भी पार्टी की पिछले विधिवत दिनों काफी सदस्यता दिलाई। खींचतान देखने को मिली थी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस है उसके अंदर। और जो बड़ा मसला था वो ये था कि आम आदमी पार्टी के साथ जो चुनावी गठजोड़ हुआ है उसको लेकर दिल्ली कांग्रेस का एक धड़ा खुश नहीं था। और उसके बाद अरविंदर सिंह लवली श्री और हरदीप इसके पुरी अलावा कांग्रेस के और कुछ तावड़े और जी से नेताओं ने आग्रह कि आपत्ति नसीब जताई जी थी, को अपनी भी पार्टी की नाराजगी विधिवत जाहिर की थी। और तब पार्टी के अंदर ये खींचतान देखने को मिली थी और अब अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी का अंगवस्त्रम पहनाकर, फूलों का गुलदस्ता देकर इन श्री तमाम नेताओं का नीरज स्वागत बाजवा जी किया को जा भी रहा है जो इस पार्टी की समय विधिवत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हरदीप नसीब सिंह जी को पुरी भी इस समय यहाँ पर मौजूद अच्छा हैं, नसीब दिल्ली प्रदेश विधिवत नसीब बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। और आखिरी विनोद तावड़े को आप देख सकते तक हैं जो इन तमाम नेताओं का नीरज स्वागत यहाँ पर बाजवा कर रहे हैं। तो एक बार फिर से अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमित मलिक जी से भी आग्रह किए हुए आए और पार्टी की सदस्यता की पर्ची और ये जो दाखिल। पूरा घटनाक्रम है एक के बाद एक जो कांग्रेस को झटके लग रहे हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में, कभी उनके कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो जाता है, कहीं पर उनका कैंडिडेट अपना नाम वापस ले लेता है आखिरी क्षणों के अंदर। कहीं ओडिशा में भी ताज़ा खबर है, सुचारिता मोहंती का एग्जाम्पल हमारे सामने, उदाहरण हमारे सामने, जहां पर उन्होंने अपना टिकट पार्टी को लौटा दिया, कहा कि पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए। और कहीं भी पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान इतनी ज़्यादा है कि पार्टी एकजुट नहीं रह पा रही आखिरी है। में करेंगे और ऐसा एक ही बार पूरा दिल्ली कांग्रेस में देखने को मिला है। आपको बता दें आप कि रुकेंगे दिल्ली में नहीं जो अभी लोकसभा का रुकेंगे चुनाव है वो पहले छठे चरण में होना है और वोटिंग से एंड पहले ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसलिए पार्टी को बड़े मेरा झटके के आदरणीय तौर विनोद पर इसे तावड़े देखा जी जा से रहा है। आग्रह है कि जो मीडिया के साथी हैं उनको संबोधित करें। आदरणीय विनोद तावड़े जी मीडिया के साथियों को संबोधित करें।